नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इंडिया टू डिफेंस पे। मैं लेके हाजिर हूँ आज का डिफेंस डिस्कशन एपिसोड 26। और इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं इंडिया के DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल HSTDV के बारे में, जो कि एक स्क्रैमजेट इंजन पे बेस्ड है। और इस एपिसोड में जानेंगे इस इंजन का करंट स्टेटस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स DRDO फेस कर रही है HSTDV को लेके, और मोस्ट प्रोबेबल टेस्ट कब तक हो सकता है, कब तक पॉसिबल है, और इसकी टाइमलाइन क्या है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है और इसे प्रॉपर पॉलिटिकल विल मिलता है तो टेस्ट कब तक कंडक्ट किया जा सकता है, इस बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल का जो टेक्निकल पार्ट है उसे एवेल्युएट करने वाले हैं हम, तभी जाके ये पता कर पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स DRDO अभी फेस कर रही होगी इस HSTDV को डेवलप करने में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर HSTDV इंडिया का फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जो कि स्क्रैमजेट इंजन पे बेस्ड है। इसका मतलब यह है सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, और इस HSTDV को स्पेशली डिजाइन किया गया है ऑपरेट करने के लिए बिटवीन 6 to 6.5 मार्क और एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड के लिए जो कि 32 किलोमीटर का होगा। और इसे डेवलप कर रही है DRDO की लैब DRDL, और यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइप की लेंथ 5.6 मीटर की है, जिसमें से 3.7 मीटर का इंटेक सेक्शन है और 1.1 मीटर का आपका कंबशन और आइसोलेटर सेक्शन है, और तकरीबन 0.8 मीटर का आपका नोजल सेक्शन है जो कि एक्सपेंशन सेक्शन है। और इस नोजल में सुविधा दी गई है 25 डिग्री तक मूव करने की, ऊपर नीचे 25 डिग्री एंगल। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना है। वैसे तो जब इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना शुरू किया था तब इसके लिए इंडिया ने इसके मटेरियल को लेकर दूसरे कंट्री से कॉन्टैक्ट किया था, तो सब ने इसके लिए इंडिया को मटेरियल देने से मना कर दिया था। उसके बाद इंडिया ने खुद ही इसके लिए मटेरियल डेवलप किया है। तो यह है इंडिया का भी करंट डिजाइन HSTDV का, जहाँ पे इसके विंग्स को टाइटेनियम अलॉय के बनाए गए हैं और इसके ऊपरी परत को एल्युमिनियम के अलॉय से बनाया गया है, जबकि कंबसन चैम्बर के वॉल्स को नियोबियम अलॉय से बनाया गया है जो कि काफ़ी थिक कंबसन चैम्बर बनाया गया है। इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। और इसे अब तक 4 बार टेस्ट किया जा चुका है, जो कि सिर्फ 20 से लेकर 50 सेकंड के बीच में ही सस्टेन कर पा रही है टेक्नोलॉजी DRDO की सुपरसोनिक टेस्टिंग लैब में। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में कि इस मॉडर्न एरा में सभी देश स्क्रैमजेट की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं और रैमजेट वो काम क्यों नहीं कर सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, रैमजेट ऑपरेट करता है 2 से 3 मार्क के बीच में, लेकिन जब 3 मार्क से 4 मार्क से ऊपर जाना होता है तब हमें जरूरत पड़ती है स्क्रैमजेट की। आइए जानते हैं उसका रीजन। तो सबसे पहले डिफरेंस जान लेते हैं रैमजेट और स्क्रैमजेट में। जैसे कि आप सब जानते होंगे, स्क्रैमजेट ऑपरेट करता है कहीं ना कहीं 4 मार्क से ऊपर, वहीं पर रैमजेट ऑपरेट करता है तकरीबन 2 से 3 मार्क के बीच में रैमजेट ऑपरेट करता है। तो जान लेते हैं कि हम एक रैमजेट डिजाइन को क्यों नहीं स्क्रैमजेट की तरह यूज कर सकते। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो स्क्रैमजेट में इंडेक चाहिए होता है यहाँ पे, वो चाहिए होता है सुपरसोनिक इंडेक चाहिए होता है, जो कि आप रैमजेट से अचीव नहीं कर पाओगे। अगर बूस्टर से आके इसको 6 मार्क से ऊपर ले जाओगे तो जो यहाँ पे एयर का इंटेक होगा उनका प्रेशर 5 से 6 मार्क के बीच में होगा, उनका जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे और उसी एयर में आप और टेम्परेचर ऐड कर दोगे फ्यूल जलाने के बाद, तो क्या होगा, जो एयर का मॉलिक्यूल है वो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा कंबशन चैम्बर में ही, जबकि उसको ब्रेक होना चाहिए नोजल में एक्सपेंशन के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका डिजायर्ड थ्रस्ट है जो कि आपको नोजल में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके सारे मॉलिक्यूल यहीं टूट चुके हैं कंबशन चैम्बर में। सो इस चीज़ को हटाने के लिए और वही मार्क नंबर अचीव करने के लिए स्क्रैमजेट को डिजाइन किया गया, जिसमें एक लंबा पोर्शन दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक लंबा पोर्शन दिया गया, और इस लंबे पोर्शन की वजह से जो एयर आ रही थी इंटेक में उनका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने के लिए इतनी लंबी दीवार दी गई कि इनके सारे जो एयर का टेम्परेचर और प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़े, और उसको ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, सिर्फ 2 से 2.5 मार्क के बीच में ही रखा जाए जो यहाँ पे एयर का प्रेशर मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी उतना नहीं बढ़ेगा, और जिसकी वजह से जब ये कंबशन चैम्बर में जाएगा तो इसमें और हीट एडिशन के बाद इसके बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे और उसको हम उपयोग कर पाएंगे नोजल में एक्सपेंशन और थ्रस्ट जनरेट करने के लिए। तो इसलिए स्क्रैमजेट में एयर का इंटेक है उसको ऑप्टिमल बनाने के लिए 2 से 2.5 मार्क के बीच में रखा गया है, जो कि आइडियल माना जाता है। और स्क्रैमजेट को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब इसका यहाँ पे एक्सपेंशन होता है तो ये एरोडायनामिकली इस तरह जाता है, इस तरह पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, इसीलिए इसका डिजाइन कुछ ऐसा किया गया है। तो बेसिकली किसी भी स्क्रैमजेट इंजन का इंटेक डिजाइन करना सबसे मशक्कत का काम होता है। इनके जो इंटेक टिप्स है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो वहाँ पे एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो कि उतने हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके, इसलिए यहाँ पे स्पेशली इनके टिप्स को टाइटेनियम अलॉय का बनाया गया है, जिससे कि वो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर पाए, और हाई टेम्परेचर के साथ साथ तकरीबन 6 से 7 मार्क के स्पीड पे आ रहे हवा का जो शॉक वेव है उसको भी बियर कर पाए, तो इसलिए इसके इंटेक को स्पेशली डिजाइन किया जाता है।
एक प्रॉपर लेंथ देके ताकि वो हवा को अच्छे से डिसेलरेट करके ऑप्टिमम मार्क नंबर दे इनलेट के लिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आप ऑप्टिमम मार्क नंबर से थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम होगा तो आपका जो टारगेट है कोई पर्टिकुलर मार्क नंबर अचीव करने के लिए HSTDV से वो अचीव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप सबको मैंने पहले बताया है, DRDO का ये टारगेट है कि वो HSTDV को डेवलप कर रही है 6 से 6.5 मार्क नंबर के ऑपरेशन के लिए, जो कि 32 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस के लिए टेस्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें दिया गया आइसोलेटर की। तो इसमें आइसोलेटर इसलिए दिया गया है कि जब कम्बशन चैम्बर में फ्यूल हवा के साथ मिक्स होकर जल रहा होगा तो बहुत ही फैलेगा, क्योंकि ये काफ़ी हाई स्पीड पर होगा और फैलने की वजह से वो कहीं इनलेट की तरफ से बाहर ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया दिया जाता है आइसोलेटर की फॉर्म में, ताकि जो फ्यूल के जलने के बाद जो शॉक वेव होते हैं वो इनलेट की तरफ से बाहर ना आ जाए, इसलिए आइसोलेशन एरिया यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कंबशन चैम्बर दिया गया है, जिसकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी बनाई गई हैं, क्योंकि कंबशन चैम्बर में जो एयर का इनलेट होता है जो कि इंटेक की तरफ से आ रहा होता है, उसकी स्पीड कहीं ना कहीं 2 से 2.5 मार्क के बीच में होती है या फिर 1.2 मीटर पर सेकेंड होती है उनकी स्पीड इस कंबशन चैम्बर में, जो कि किसी भी नॉर्मल मेटल को पिघला देने की सलाहियत रखती है। इसीलिए यहाँ पे थिक वॉल यूज की गई है टाइटेनियम अलॉय की, और उसके बाद जब यहाँ से एयर को एनर्जी मिल जाती है तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में ले जाके उसे नोजल में एक्सपेंशन के थ्रू रिलीज करता है, और जिसकी वजह से थ्रस्ट जनरेट होता है और ये व्हीकल आगे बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं DRDO ने इसको लेके कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की है। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब कंबशन चैम्बर में एक हवा जो कि 1.2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रही है, तो उतनी तेज हवा में कैसे फ्यूल को मिक्स किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि कंबशन चैम्बर की लेंथ 1 मीटर की है और एयर भी 1.2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रही है, मतलब सेकंड के कुछ ही हिस्से में हवा कंबशन चैम्बर को पास कर रही है, तो ऐसे में आप कैसे फ्यूल को मिक्स कर दोगे हवा में, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और उस दौरान कुछ ऐसा भी नहीं करना है जिससे कि हवा की जो वेलोसिटी है वह कम हो जाए, क्योंकि हवा की अगर वेलोसिटी कम हो जाती है तो आप जो चाह रहे हो कि आप 6 मार्क अचीव करो वो आप नहीं कर पाओगे, आप उससे कम ही कर पाओगे फिर। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इसके लिए फ्यूल का जो इंटेक है वो DRDO ने डिफरेंट तरह के ट्राई किए हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हो इस पिक्चर में। जो पहला सेक्शन ट्राई किया गया था वो कैविटी ट्राई किया गया था, जिसमें ऑरेंज कलर के जो एरो हैं वो फ्यूल का इंटेक है, ग्रीन कलर के जो डॉट लाइनिंग है वो फ्यूल डालने से एयर को शॉक मिल रहा है और एयर उछल जा रही है, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, और एक कैविटी में मिक्स हो रही हैं, वो पहला था। लेकिन वहाँ पे भी एयर का लॉस हो रहा था, इसलिए उस ऑप्शन को DRDO ने हटा दिया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था जो कि 2 दीवारों से नोजल डाल के फ्यूल छोड़ा जा रहा था, तो उससे भी हवा का टकराव हो रहा था और ड्रैग जनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से वेलोसिटी में कमी आ रही थी। और उसके बाद आप तीसरा देख सकते हो जो कि रैम्प टेक्नोलॉजी है, जिसमें बीच में एक सेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया स्क्रैमजेट की तरह ही, ताकि वो हवा को 2 तरफ भेज सके, और पीछे से उसमें फ्यूल ऐड किया गया, तो ये भी उतना एफिशिएंट नहीं था। उसके बाद डेवलप किया गया स्ट्रट, जो कि सबसे एफिशिएंट साबित हुआ, और आजकल DRDO कुछ इसी तरह का इंजेक्शन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं कंबशन चैम्बर में। तो ये था पहला चैलेंज। तो दूसरा चैलेंज ये था कि कौन सा फ्यूल सेलेक्ट किया जाए जो कि सेकेंड के कुछ ही हिस्से में तुरंत जल जाए। तो ऐसा सिर्फ एक ही फ्यूल था और वो था हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन में कमी ये थी कि 1 किलो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा टैंक चाहिए था। जैसे कि आपने देखा होगा रुई, 1 किलो रुई कितना फैलता है, उसी तरह 1 किलो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा फैलता है, उसके लिए एक बड़ा सा टैंक चाहिए होता है। और कुछ लोग कहेंगे तो भाई हाइड्रोजन को लिक्विड बना दो, तो अगर आप हाइड्रोजन को लिक्विड बना दोगे तो आपको क्रायोजेनिक प्रेशर वेसल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो पूरा स्क्रैमजेट सिस्टम है वो भारी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी गैस को लिक्विड में बनाने के बाद एक मोटे चदरे वाले कंटेनर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपने LPG में देखा होगा। LPG के अंदर जो LPG गैस होती हैं सिलेंडर्स के अंदर, तो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन LPG सिलेंडर्स कितने मोटे होते हैं, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक मोटे चादर वाले वेसल्स की जरूरत पड़ती लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। इसकी वजह से हाइड्रोजन का जो ऑप्शन था वो हट गया। उसके बाद एथिलीन का ऑप्शन आया, लेकिन एथिलीन में ये था 1 किलो एथिलीन जलाने के बाद सिर्फ वो 45 मेगाजूल का एनर्जी दे रहा था, जबकि 1 किलो हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो वो तकरीबन 120 से लेकर 130 मेगाजूल की एनर्जी देता है, लेकिन यहाँ पे एथिलीन सिर्फ 45 मेगाजूल की एनर्जी दे रहा था। तो DRDO ने उसको भी साइडलाइन किया। जो मोस्ट पॉपुलर आजकल सभी मिसाइल्स यूज करती हैं वो यूज़ करती हैं केरोसिन। तो केरोसिन का सिस्टम ऐसा है जो कि 45 मेगाजूल की एनर्जी ही देता है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो कम एरिया में ज़्यादा आने की है, मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए जितना बड़ा टैंकर चाहिए होगा तो उतने बड़े टैंकर में ही बहुत सारे केरोसिन को लिया जा सकता है, भरा जा सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए DRDO ने एक काम किया, उन्होंने एक अपना ही फ्यूल बनाया है जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन को किरोसिन से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद उस फ्यूल में हाइड्रोजन के जलने की जो एडवांटेज है, हाइड्रोजन बहुत तेज़ी से जलता है वो तो है ही उस फ्यूल में, साथ ही किरोसिन की जो क्षमता है कम ही जगह में आ जाने की वो भी है। तो कुछ ऐसा फ्यूल बनाया है इन दोनों को मिक्स करके, जिसे अफर्सिंस फ्यूल कहा जा रहा है। तो ये था सेकेंड हर्डल जिसे DRDO ने पार किया।
अब आते हैं तीसरे हर्डल पे। तीसरा हर्डल ये था कि चलो फ्यूल तो बन गया, लेकिन एक हवा जो कि कम्बसन चैम्बर में 1.5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रही है, तो उस हवा में आप फ्यूल कैसे मिक्स करोगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उस हवा में धार किस तरह से छोड़नी है और कितनी पतली या फिर कितनी मोटी धार उस इनकमिंग एयर पे छोड़नी है कि वो मिक्स कर जाए, क्योंकि यहाँ पे फायदा तब होता जब आप पतली धार छोड़ोगे, क्योंकि वो जल्द से जल्द जल जाएगा, क्योंकि आप मोटी धार उसमें छोड़ोगे तो वो जल्दी जलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आ रही एयर में पतली धार छोड़ने का चैलेंज था। तो DRDO को डिसाइड करना था कि जो फ्यूल इनटेक का साइज है कुछ ऐसा साइज बनाया जाए जो कि जल्दी जल भी जाए और हवा के साथ बह के ना चला जाए, क्योंकि जो फ्यूल की पतली धार थी वो हवा के साथ बह के चली जा रही थी और जल नहीं रही थी। वो बह के तो नहीं जा रही थी हवा के साथ, लेकिन उनको जलने में बहुत टाइम लग रहा था और जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर गिर जा रहा था। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जिसको DRDO ने क्रॉस कर लिया और एक ऑप्टिमम साइज बना लिया है फ्यूल इनटेक का। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो कि DRDO के पास अभी भी है इस HSTDV में, और जो सबसे मेजर चैलेंज है वो अभी है कम्बसन में फ्यूल और एयर के मिक्स होने के बाद, जलने के बाद वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कम्बसन में जो एयर इंटेक है वो बहुत तेज है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हमने पहले बताया 1.5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हवा आती है, जो कि ऐसा हो रहा है कि कुछ ही सेकेंड के लिए कम्बसन होने के बाद उसमें लगी आग बुझ जा रही है, मतलब इंजन बंद हो जा रहा है। तो कम्बसन को लेकर जो इंजेक्शन की प्रॉब्लम थी फ्यूल के इंजेक्शन की, उसे सॉल्व कर लिया गया। जो फ्यूल की मिक्सिंग की प्रॉब्लम थी एयर के साथ, उसे सॉल्व कर लिया गया। लेकिन अब जो फ्लेम है उसको होल्ड करने की जो सलाहियत है, क्षमता है, वो बहुत ही कम सेकंड के लिए हो पा रही है। DRDO उसे ज़्यादा होल्ड करने में अभी सक्षम नहीं है और उसके लिए अभी भी काम चल रहा है उस पर, क्योंकि ज़्यादा देर जलने के लिए जो हवा की स्पीड है वो कम होनी चाहिए, और यहाँ पे आप हवा की स्पीड कम करोगे तो आपका जो ओवरऑल मार्क नंबर चाहिए 6 मार्क नंबर वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इस चैलेंज को अभी DRDO फेस कर रही है और इसे सॉल्व करने में लगी हुई है कि ऐसा कोई ऑप्टिमल मार्क नंबर अचीव किया जाए कम्बसन चैम्बर के लिए जो कि फ्लेम को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखे। जब 2014 में अमेरिका ने टेस्ट किया था अपना हाइपरसोनिक वेसल, तो वो तकरीबन 3 मिनट तक उड़ के उसका भी कम्बसन चैम्बर बंद हो गया था, तो वो अब तक के किसी भी हाइपरसोनिक वेसल की मैक्सिमम टाइम रन है। उसके बाद रशिया ने भी टेस्ट किया था, तो रशिया का भी तकरीबन 2 मिनट तक चला था कम्बसन हाइपरसोनिक मोड में, लेकिन अभी जो हमने टेस्ट किया है ग्राउंड पे किया है, ग्राउंड पे जो हमारे 4 टेस्ट हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं जो कम्बसन का टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो 20 सेकंड से लेके 50 सेकंड के बीच में रह रहा है। इवन जो लास्ट टेस्ट था जो कि 2017 में कंडक्ट किया गया था, वो तकरीबन 65 सेकंड तक चला था उसमें कम्बसन सुपरसोनिक मोड में। सो इस फ्लेम होल्डिंग की प्रॉब्लम को भी DRDO जल्द ही सॉल्व कर लेगी एक ऑप्टिमम मार्क नंबर अचीव करके। और अभी लेटेस्ट अपडेट में ऐसी खबरें आ रही हैं कि DRDO इसके लिए कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह डेवलप कर रही हैं, और अगर सब कुछ अच्छा होता है और एक अच्छी सरकार आती है और पॉलिटिकल विल मिलता है, अगर 2019 नहीं तो 2020 के शुरुआत में आपको HSTDV की जो टेस्टिंग है वो आपको देखने को मिल सकती है। वैसे तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 2019 के अंत तक HSTDV को टेस्ट किया जाना है, लेकिन ग्राउंड पे भी अभी एक टेस्ट बाकी है, तो ग्राउंड का टेस्ट होने के बाद ही उसे किसी एयरक्राफ्ट के जरिए हवा में ले जाके मिसाइल से लॉन्च किया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा। और आपको बता दूं इसमें अब तक तकरीबन 10 से 12 बिलियन रुपीज इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लैब स्टैब्लिश करने के लिए यूज किए गए हैं सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक लैब्स। और इसमें तकरीबन 3 कंट्रियाँ जैसा कि पब्लिक डोमेन में है जो कि इंडिया की हेल्प कर रही हैं, उनमें से पहला इजराइल है, दूसरा रशिया है और तीसरा आई गेस फ्रांस है, जो कि अभी क्लियर नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो हाइपरसोनिक वेसल डेवलप करने के बहुत सारे अपने आप में एडवांटेज है, चाहे वो सिविल क्षेत्र में हो या फिर डिफेंस क्षेत्र में हो। तो डिफेंस क्षेत्र में स्पेशली मैं बात करूंगा तो इनका उपयोग मिसाइल्स में किया जाएगा। वो ऐसी मिसाइल्स होंगी जिनको इंटरसेप्ट करना नामुमकिन होगा ऑलमोस्ट। ये मिसाइल्स ऐसी क्षमता रखेंगी कि लास्ट मोमेंट पे अपने टारगेट डिसाइड करने में, जैसे कि वो जा किसी और तरफ रही होगी और लास्ट मोमेंट पे अपना टारगेट चेंज करने की क्षमता रखेगी। और इसके लॉन्च के बाद आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट का टाइम मिलेगा काउंटर करने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है किसी भी देश के लिए 5 से 6 मिनट में किसी मिसाइल को रोकने के लिए रिएक्ट करना। तीसरा एडवांटेज मैं बताऊंगा आपको, हाइपरसोनिक वेसल्स का यूज करके हम ग्लाइडिंग एयरक्राफ्ट बना सकते हैं जो कि अपने आप में किसी भी तरह के न्यूक्लियर आने में सक्षम होंगे, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड्स पे। और सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हाइपरसोनिक वेसल्स को एज ए इंटरसेप्टर्स यूज करोगे तो ये सबसे बेस्ट साबित होंगे, ये किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देंगे उनके तय किए गए टाइम से पहले ही। अब बात कर लेते हैं बाकी के देश कहाँ तक पहुँचे हैं इस पे। तो अभी मेन रूप से इसे रशिया, चाइना और US डेवलप कर रहा है, और भी कुछ देश हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि इसराइल और UK। जहाँ तक इसे अचीव करने की बात है तो अभी US सबसे नज़दीक है इसे अचीव करने में। अगर DRDO ने अपने एफर्ट्स लगा के इसके फ्लेम होल्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और उसको कैपेबल बना दिया कि वो 6 से 7 मिनट तक जलते रह जाए, कम्बशन चैम्बर चलता रहे, तो उतने ही मिनट्स में ये HSTDV एक अच्छी खासी डिस्टेंस अचीव करने में सक्षम है, क्योंकि ये चलता है तकरीबन 6100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो अभी DRDO ग्राउंड पे कुछ ऐसी टेस्टिंग कर रही है, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं
जिसमें जो एयर का इंटेक है वो इस तरह से डाइवर्जेंस दे दे के दिया जा रहा है इंटेक को, और ये जो वाइट कलर के एरो बने हैं यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट किए जाते हैं। और इसमें डाइवर्जेंस इसलिए दिया गया है कि एयर का जो प्रेशर है उसको कम होने से रोका जाए, स्पीड है उसको कम होने से रोका जाए, इसलिए इसमें तीन सेक्शन में डाइवर्जेंट दिया गया है। सो इंडिया के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर को लेकर इतना ही। सो ये था HSTDV के ऊपर हमारा एक छोटा सा एनालिसिस। आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।